को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में उपचुनाव में प्रचार का दौर चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में एक ही विधानसभा में चुनाव होने से भाजपा और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता अभी झाबुआ में ही नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो कर सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। देश में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस चल रही है, तो प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और झाबुआ में कांतिलाल जेवियर की कांग्रेस अलग अलग चल रही है। प्रदेश में कमलनाथ के मंत्री और नेता तबादलों के नाम पर लोगों को लूटने में लगे हैं। शिवराज सिंह आज से 2 दिवसीय झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए झाबुआ पहुंचे हैं। आज उन्होंने अपना दौरा कार्यक्रम अंतरवेलिया से रोड शो प्रारंभ कर किया, जिसके दौरान वे अंतरवेलिया से कलीपुरा, भगोर और कल्याणपुरा पहुँचे। इस दौरान रास्ते में शिवराज सिंह खेतों में गए और किसानों की फसलों की स्थिति का जायजा लिया और किसानों से चर्चा भी की। शिवराज सिंह का जगह जगह लोगों ने ढोल ढमाकों और पुष्प माला पहनाकर व पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाजपा उम्मीदवार भानु भूरिया और जिला भाजपा अध्यक्ष ओम शर्मा, शांतिलाल बिलवाल, दौलत भावसार उपस्थित थे। झाबुआ से प्रेम सतयोगी की रिपोर्ट। सांसद, राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री, बताओ यहाँ के विकास के लिए कुछ किया है क्या कांतिलाल ने? जोर से बताओ, किया है क्या? नहीं किया। और जब शांतिलाल थे, भाजपा की सरकार थी, कल्याणपुरा में मॉडल स्कूल, कन्या हाई स्कूल, कन्या छात्रावास, कल्याणपुरा टेकरी में स्टेडियम, एक नहीं अनेकों विकास के काम, भवन निर्माण हाई स्कूल का, कन्या छात्र का दाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कह के वो दानों पे जाके बैठ गए। जैसे ही दानों पे बैठे तो शिकारी ने जाल फैलाया, बिछाया, तो सब पक्षी जाल में फंस गए। लेकिन जाल में फंसे फंसे भी पक्षी कह रहे थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। हम मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कमलनाथ आएगा, कांतिलाल आएगा, साड़ी लाएगा, कंबल बांटेगा, पायल लाएगा, पैसे बांटेगा। बोलो फंसोगे तो नहीं? अरे जोर से बताओ, सब फंसोगे तो नहीं? कल्याणपुर हमारे नहीं बसते, बड़े चतुर हैं, तपस्या करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था, भगवान की भक्ति करते थे, प्रसन्न रहते थे। लेकिन उनके आश्रम के सामने कई तरह के पक्षी होते थे, वो पक्षी कलरव करते थे, घूमते थे, उड़ते थे, बैठते थे, बाबा का मन प्रसन्न रहता। लेकिन वही एक शिकारी भी होता था बहेलिया, वो शिकारी आता था, अपने साथ दाने लाता, जाल भी लाता था, वो दाने फेंकता था। जैसे ही दाने फेंकता था तो पक्षी दानों पर बैठ जाते थे, और जैसे ही पक्षी दाने पर बैठते थे तो शिकारी अपना जाल फैलाता था, सब पक्षी फंस जाते थे, पकड़ के ले जाता था। बाबा को बड़ी तकलीफ होती थी, दुख होता था। एक दिन उन्होंने तय किया कि पक्षियों को बचाना बचाना चाहिए, तो उन्हें पक्षियों की सभा बुलाई और उनसे कहा कि देखो रे, रोज ये शिकारी आता है, दाना डालता है, तुम बैठते हो, जाल बिछाता है, पकड़ ले जाता है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, वो मंत्र अगर तुम रख लोगे तो शिकारी के जाल में नहीं फंसोगे। तो पक्षियों का बाबा बताओ मंत्र कौन सा है? तो बाबा इनका रट लो, का बाबा रटाओ, तो बाबा इनका शिकारी आएगा। तो सब पक्षियों ने हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।